वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं, क्लास 8 के जितने भी भैया बहने हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे, इससे आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे तो हम आज बताएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेशनल नंबर फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ वी कैन राइट इन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर इज पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। बताया गया है, ठीक है, कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसे जब हम लिखें तो वह जो है पी वाई क्यू फॉर्म में हो। देखो किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, लेकिन ये सब तो इंटीजर्स रहेंगे, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। जितने भी रहेंगे p अपॉन q फॉर्म में अगर हो तो वह क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन q नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे को रेशनल नंबर कहा गया है। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ वी कैन राइट द नंबर इन फ्रॉम पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, दिखाया गया है 1/1, 2/1, 0/1, 5/8, -3/14, 7/-15, ये सब जितने भी हैं आपको यहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो हमने लिखा है रेड कलर से, वह सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। ओके, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट्स अ रेशनल नंबर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। जब हमें जो है, जब दो रेशनल नंबर के बीच में दो अगर नंबर दिए हो रहे हैं, सपोज दैट ये नंबर अगर एक्स और वाई है और इन दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तो क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज द वन रेशनल नंबर। ये इस तरह से वन रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट में देखते हैं, वी कैन फाइंड काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। -x/y इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ x/y एंड द वाइस वर्सा। अगर आपके पास जो दिया हुआ है -x/y, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -x/y इज इक्वल टू +x/y। ठीक है, यानी -x/y का जो है, -x/y का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? x/y हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा। कैसे? तो अभी हमने जस्ट बताया, इसे फाइंड करने के लिए जो है क्या लिखना है, माइनस लगेगा और जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो y, तो क्या हो गया? -(-) x/y, इस तरह से ये होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, y upon x इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वाई। कोई भी अगर नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? y/x, तो y/x अगर दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा क्या? x/y, x/y क्या हो जाएगा इसका?
आपका मल्टीपल क्रिएटिव इनवर्स ऑफ रिसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसिप्रोकल। सपोज दैट अगर आपके पास दिया हुआ रहे -2y3, अगर इसका पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रिसिप्रोकल बताइए, इसका रिसिप्रोकल बताने के लिए बोला जाए तो आपका हो जाएगा रिसिप्रोकल क्या, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स बिकॉज ए नंबर डज नॉट चेंज व्हेन 0 इज एडेड टू। कहा गया है जब किसी रेशनल नंबर में 0 जोड़ा जाएगा, किसी भी रेशनल नंबर में 0 जोड़ा जाएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सपोज दैट एक्स और वाई क्या है, दो रेशनल नंबर है और ये दो रेशनल नंबर में ठीक है कुछ भी जोड़े, मान लिया जाए एक है 1 दूसरा है 0, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा ये बातें का। फिर है नेक्स्ट पॉइंट में दिखाया गया है ठीक है कि रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीपल क्रिएटिव आइडेंटिटी ऑल ऑल रेशनल नंबर बिकॉज ऑन द मल्टीप्लाइंग द रेशनल नंबर विद 1 इट वैल्यू डज नॉट चेंज। अगर किसी भी नंबर में कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसमें अगर 1 से मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो कोई चेंज नहीं होगी। सपोज दैट एक्स अपॉन वाई इज द रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन 1 तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, या अगर 1/2 में अगर मल्टीप्लीकेशन 1 से कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज हुआ क्या, 1/2 ही रहा ना, कोई चेंज नहीं होती है। याद रखिए इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेटिंग द रेशनल नंबर विद 1 इट इज द वैल्यू डज नॉट चेंज। उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। नेक्स्ट है रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रेशनल नंबर को भी लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने अभी पॉइंट्स हमने बताया वह एक्सरसाइज में हमें इसका मिलेगा डिटेल्स सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज है आपके पास जो दिख रहा है वह प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टीज है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है देखते हैं। तो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर, रेशनल नंबर जितने आते हैं क्लोजर के अंडर आते हैं। तो इसका एडिशन भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ, 3y5 -4/9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है एक एग्जांपल से, ये ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल को सॉल्यूशन कैसे करने है। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है एलसीएम पहले जानना होगा। तो देखो ये जो दिख रहे ऊपर वाले, ये नंबरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबरेटर कहलाते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या कहलाते हैं, डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उसका पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। किसका? डिनोमिनेटर का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर कितना है, 5 और 9 है, ये डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर। दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होती है आपको पता है, एलसीएम क्या होता है, 5 और 9 का एलसीएम। तो देखो दोनों ये आपस में क्या करने हैं, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या हो जाएगा, 45 हो गया। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना आया, 45 आया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करना है, जो एलसीएम है, जो एलसीएम आया उसमें फर्स्ट डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करनी होती है।
तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 9 टाइम आया, 9 जो आया ठीक है उसको हमको 3 से इंटू करनी है, तो 9 3 27 ठीक है, माइनस साइन था प्लस इंटू माइनस, माइनस होती है, फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 को डिवाइड 45 में 9 से डिवाइड करेंगे हम देखते हैं कितना आया 5 टाइम में, 5 4 20 20 यहाँ पर नोट हुआ ठीक है, फिर 27 माइनस में से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ गया, 7 अपन 45। देखिए इसको और थोड़ा सा हम लिख कर बताते हैं तब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन 5 प्लस माइनस कितनी है 4, पाई कितना लिखा हुआ है 9। तो ये और ये दो है, इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम कितना होता है इसका 45 होती, 45 यहाँ नोट डाउन कर देंगे, फिर ये 5 से हम डिवीजन करेंगे 45 को, तो कितना टाइम में आया 9 टाइम में तो जो आपका 9 टाइम आया वो 3 × 9 हो जाएगा ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, जब यहाँ प्लस ही लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 × फिर 9 से डिवीज़न करेंगे हम 45 को, कितना 5 टाइम में 5 हो गया हमारा ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, तो 9 3 27 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 20 20 अपॉन 45 तो कितना हो गया, 20 में से 27 गया, 27 में से 20 गया तो कितना हुआ 7 बचा, तो 7 अपॉन 45 तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके समझ में आ गई ना, उसके बाद तो यही बताया गया था विस इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया है तो यही लिखा है विस इज अ रेशनल नंबर। ओके फिर सबट्रैक्शन भी देख लेते हैं जरा, एक सबट्रैक्शन भी सेम वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे एडिशन बनती है सेम वही प्रोसेस अप्लाई होती है, बट जहाँ प्लस होती है वहाँ साइन का चेंज होता है। क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं, 5 देखिए लिखा हुआ है, ये प्रश्न है 5 upon 8 minus 3 upon 7, तो 8 और 7 का क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे 8 और 7 का, तो भाई देखते हैं कि क्या दोनों तो एकदम अलग नंबर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया 56 आया है ना, कितना आया 56 आ गया तो देखो यहाँ 56 डाउन कर लिया गया, राइट डाउन हो गया, फिर 8 का टेबल हम पढ़ेंगे कि कितना बार में आता है भाई 56, 8 7 56 होता है तो 7 × 5 35 हो गया, माइनस साइन था माइनस लग गया, फिर 8 टाइम में लगती है 7 के टेबल से, 8 3 24 ठीक है। चलिए इसको हम लिख करके बताते हैं जरा, हमारे प्रश्न है 5 upon 8 माइनस है 3 upon 7, ये जो दोनों नंबर है ना डिनोमिनेटर का, इसको हम एलसीएम लिखेंगे, फिर सीएम क्या होता है इसका, इसका एल सी एम होता है हमारा 56, तो 56 नोट कर दिया यहाँ। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कितना वाला 56 हो रहा है, तो 7 टाइम में आता है तो 5 × 7 माइनस हो जाएगा यहाँ, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 56 आ, तो 8 टाइम में आता है, तो 3 × 8 तो कितना हो गया हमारा यहाँ 7 5 35, तो 35 माइनस 8 3 कितना हो गया 24 अपॉन 56, तो अब कितना हो गया 35 में से 24 घटाइए कितना हो रहा है, तो 11, तो 11 बटा कितना होगा 56, तो 11 upon 56 इज द रेशनल नंबर। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में, क्या है P अपॉन Q के फॉर्म में आना, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर है ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक और क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे यहाँ दिखा हुआ है
2y5 माइनस 3y4 है, 3y4 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। तो 5 4 20, तो 2 × 4 हो गया यहाँ, माइनस है 4 5 20, 3 × 5 हो गया यहाँ, है ना। अब देखते हैं यहाँ, तो 4 2 8 हो गया, माइनस 5 3 15 हो गया यहाँ, अपॉन कितना हो गया 20। तो 8 में से 15 घटाना है, कितना घटाना है, 8 में से 15, यानी 8 - 15, तो माइनस में आएगा। बड़ा छोटा संख्या से अगर बड़ा संख्या घटाया जाए तो नहीं घटती है, तो माइनस नेगेटिव लेकर के वो अपने आप को घटाता है। तो कितना आ गया, -7/20, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये भी किस फॉर्म में है, तो P/Q फॉर्म में ही है। तो दिस इज -7/20 इज द रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद आता देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या, उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है -5/7 × 2/9, इसका आंसर कितना दिया, -10/6 63। कैसे, तो देखते हैं -5/7 × 2/9 है, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 5 2 10, अब प्लस माइनस है, -5 है और +2 है, तो प्लस माइनस माइनस, -10/7 9 63। तो ये कितना हो गया, आंसर हो गया। और ये भी किस में है, P/Q फॉर्म में है, किस में है, P/Q फॉर्म में है। तो दिस इज -5/7 × 2/9 इज द रेशनल नंबर, या -10/63 इज द रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि 2/3 × 5/11, इसे भी क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देनी है ये दोनों को। 5 2 5 10, या 5 2 10, और 3 11 33, 33 हो गया, यानी 10/33 इज द पी रेशनल नंबर। तो ये भी P/Q फॉर्म में है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशनल सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपने यहाँ पर जाना कि क्लोज प्रॉपर्टीज में जो होती है वह एडिशन में भी होती है, रेशनल नंबर के एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ओके, उसके बाद जरा हम देख लेते हैं डिवीज़न को भी, डिवीज़न में भी क्लोजर प्रॉपर्टीज लगती है। तो डिवीज़न में दैट इज एग्जांपल ऑफ -3/5, ओके, डिवाइड बाय 2/3, ये क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। तो इसका आंसर जैसे हम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे -3/5, और ये डिवीज़न जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो यहाँ पर जो नंबर है ये रिसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी 3/ क्या चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। ओके, तो कितना हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 3 3 9, -9/10, कितना हो गया, -9/10 आ गया इसका आंसर, जो कि दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं कि डिवीज़न दैट इज एग्जांपल -3/5 / 2/3 = -9/10, विच इज ऑल्सो द रेशनल नंबर। फोर एनी रेशनल नंबर ए, तो ए डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। अभी हमने बताया यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाई 0 ये डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि
रेशनल हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए क्यू का यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दिया गया है, जीरो डाल दिया गया है, जो डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी रेशनल नंबर में क्लोज प्रॉपर्टीज लागू नहीं होती है। हाउ वेयर इफ द एक्सक्लूज जीरो देन इन द रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम आपको जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अवगत कराएंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखें, थैंक यू।